माय नेम इज दीक्षा और आज मेरी मेहंदी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं पराग की दुल्हनिया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर मैं इस फैमिली की बात करूँ तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी अननोन फैमिली में, या मैं जानती नहीं हूँ, इतने मिक्सअप हो चुके हैं सब। जैसे कि मेरी कोई लव मैरिज, ऑल दो मेरी अरेंज मैरिज है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कब से इन लोगों को जानती हूँ। और बहुत ही प्यार से सब बहुत ही अच्छे से रहते हैं। अगर मम्मी पापा की बात करूँ तो वो मेरे मम्मी पापा से कम नहीं है। और भैया भाभी तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मेरे सगे भाई बहन हो। भैया का नाम भी मेरे भाई जैसा है, क्रिश, और दीदी का नाम मेरी बहन जैसा, दैट इज शिखा। और वो बहुत ही अमेजिंग थिंग है मेरी लाइफ में। सबसे पहले हो हाँ, रातों में बातें तेरी मानींद को दे जगा। तेरे पास हर पल रहूं यही आरज़ू है मेरी, सांसों में तेरी महक हो हाँ।
हाथों में हाथ तेरा मेरे सीने की धड़कन है तू बन गया माहिया मेरे माही जानी आग जानी माहिया मेरे माही जानी आग जानी किन्ना सोना तू हाँ किन्ना सोना तू हाँ किन्ना सोना तू हाँ तो रहबर है तू ही है मेरा रहनुमा तू ही मुकद्दर है तू ही है नसीब मेरा तुझको देखे बिना जी ये लगता नहीं तुझको देखने से आंखें थकती कोई तुझ सा नजारा यहाँ माहिया मेरे माही जानी आग जानी माहिया मेरे माही जानी आग जानी किन्ना सोना तू हाँ किन्ना सोना तू हाँ किन्ना सोना तू हाँ हिफाजत है तू ही है मेरा आसरा तेरे नायत है तुझसे मिला हर खुमान हर दुआ मैं तुझको मैं मांगू सदा रब से है हर घड़ी बस यही इल्तिजा फराज मेरा छोटा भाई है ही इज लाइक माय सन बिकॉज उसने ऑलवेज मुझे उतने वही रिस्पेक्ट दिया जो वो डैड को देता है लेकिन हमें डेली हमारा प्रोग्राम चेंज होता है लेकिन फिर भी जो हमारा हुआ मैरिज आज का बहुत अच्छा हुआ मतलब हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मैं अभी विशेष देना चाहती हूँ बराबर दीक्षा को आगे आने वाली लाइफ के लिए कि वो हमेशा खुश रहे और एक दूसरे के साथ अगर लड़े तो कमरे के अंदर लड़े लेकिन बाहर हमेशा खुश रहे और बच्चे बहुत खुश हैं मेरी फैमिली बहुत खुश है उन्होंने बहुत इंजॉय किया है तो मेरे सारा परिवार खुश है तो मुझे ऐसे लगता है ये जो शादी हुई है हमारी सक्सेसफुल रही है और जो भी अड़चने आई हैं उसे माँ भगवती ने बड़ी सहज और सरलता से दूर किया है तो मैं माँ भगवती की बहुत शुक्रगुजार हूँ।